इस वक्त की बड़ी खबर अरवल जिले से है, जहां अरवल सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत महज 200 मीटर की दूरी बस स्टैंड के समीप लगे मोटरसाइकिल की डिक्की से लाखों रुपए चोरी का मामला गुरुवार के दिन प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि परासी थाना क्षेत्र अंतर्गत कमता गांव निवासी नागदेव कुमार अपने मोटरसाइकिल की डिक्की में बैंक से पैसे निकालकर रखे हुए थे और किसी काम को लेकर बस स्टैंड के समीप रुके थे। तभी जब उन्होंने अपने बाइक को काम से लौटने के दरमियान देखा तो देखा कि बाइक का डिक्की टूटा हुआ है, जिसके बाद उन्होंने आनंद फानंद में इधर उधर शोर मचाया, लेकिन किसी प्रकार से कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। अंततः उन्होंने थक हार कर बिना सदर थाने को सूचना किए अपने घर चले गए। जब इस बात की भनक सोशल मीडिया के माध्यम से सदर थाने की पुलिस को लगी तो सदर थाने की पुलिस तुरंत हरकत में आई और इधर उधर पीड़ित को तलाश करने लगी। जब कड़ी मशक्कत के बाद नागदेव प्रसाद से सदर थाने की पुलिस को मुलाकात हुई तो तुरंत नागदेव प्रसाद ने सदर थाने में देर रात्रि तक अज्ञात चोरों के विरुद्ध FIR दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आसपास में लगे रिहायशी इलाके में CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। वहीं जब इस बात को लेकर अरवल SP हिमांशु शंकर त्रिवेदी से बातचीत किया गया तो उन्होंने बताया कि चोरी को लेकर FIR दर्ज सदर थाने में कराई गई है और आसपास में लगे CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जो भी इन मामले में संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए इस खास रिपोर्ट में पीड़ित के द्वारा क्या कुछ बताया गया और अरवल SP हिमांशु शंकर त्रिवेदी के द्वारा क्या कुछ बताया गया। ये बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के बाद झोला में राशि थी, उसको मैंने डिक्की में रख दिया। इसके बाद देखा कि मेरा ये बाइक का अगला चक्का पंचर है। मैं इस गाड़ी को ठेलते हुए ले गया पेट्रोल पंप तक, जहाँ हवा वाले की दुकान खुली नहीं थी। इसी में मेरे एक साथी मिल गए, बोले कि आइए लस्सी उसी पी लीजिए, बेटा के शादी में आप नहीं आए तो कम से कम लस्सी पी लीजिए, तो चल के आप तब तक आ जाता है तो हवा ले लीजिएगा। इसी में लस्सी पीने लगे, लस्सी पी करके फिर बाइक के पास आए तो देखा कि मेरे डिक्की खुला हुआ है, रुपये की झोला गायब है। 1,25,000 सब बैंक जी नहीं, 70,000 बैंक ऑफ इंडिया का और 55,000 PNB में हिंदी से। क्या नाम है सर? नागदेव कुमार। देखिए एक नामदेव कुमार 50 वर्ष के हैं और ये ग्राम कचहरी में सचिव के पद पर काम करते हैं। ये मेहंदिया के PNB बैंक से इन्होंने 55,000 रुपये की राशि निकाली और फिर बैंक ऑफ इंडिया से भी 70,000 रुपये निकालने के लिए बैंक में उसी राशि को हाथ में लेकर प्रवेश किए। जब ये वापस लौटे तो उन्होंने अपने सारे पैसे अपनी बाइक की डिक्की में रखे। बाइक उसमें पंक्चर अवस्था में पाई गई। ये इस बाइक को लेकर के ठीक कराने के लिए आगे बढ़ रहे थे, डिक्की में पैसा था। तो इनके न्याय मित्र अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखा डिक्की खुला हुआ था, उसे पैसा गायब था। इसके उपरांत इनको इसे रिपोर्ट करने के लिए थाने जाना चाहिए था, लेकिन ये बीच से ही स्वयं वापस लौट आए, ये सोच करके कि जैसा कि इन्होंने स्वयं बताया कि इनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, BP रहता है, कहीं उसको पता लगेगा तो उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, ये सोचकर इन्होंने थाने को नहीं बताया। लेकिन अन्य जन सामान्य और लोगों के माध्यम से और इस जब सूचना SHO और SDPO को पता लगी तो उन्होंने प्रोएक्टिव होकर के उनके गांव और घर का पता लगाया और ये परासी थाने में उनका घर था, टाउन थाने में नहीं, घटना टाउन थाने की। तब उनसे संपर्क करके रात को 11 बजे उनसे स्वयं FIR कराई गई और अभी FIR संख्या 249/22 दर्ज की गई है और इसका अनुसंधान किया जा रहा है।